will be a lawyer, right? After how many years? मैंने नहीं चूज किया ना क्लैट. अच्छा आपने नहीं चूज किया? नहीं किया. मैंने डिजाइनिंग चूज किया क्योंकि मुझे ट्रैवल करना, चीजों को ऑब्जर्व करना, उसके पीछे एक स्टोरी रिलेट करना. अब जैसे अगर वो कैमरा ही है तो वो भी क्या सोच रहा होगा, कब से मुझे यहाँ खड़ा करके रखा है यार एक ही पोजीशन पे. मतलब उस तरह की चीजें मुझे. ओ भाई क्यों सोच रहा है? अरे अरे सर आप. मैं क्या सोच रहा हूँ अभी, मैं आपको देख रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ. ये सारे मेरे को सेलिब्रिटी समझ रहे हैं. वाओ मैं बन गया सेलिब्रिटी. क्या क्लैप मारा है मेरे एंट्री पे. ऐसा भी सोचता हूँ मैं. जैसे आपका माइक अभी हाथ में है, माइक क्या सोच रहा होगा? मेरे को आप जगह जगह क्यों नहीं बांट रहे, कितनी देर से एक ही इंसान ने पकड़ रखा है मेरे को. नहीं लेकिन इंसान अच्छा है तो माइक तो खुश हो रहा होगा. वैसे मेल है. क्या है? मेल है. माइक होता है, माइक होती थोड़ी है. माइक खुश हो गया. वो एक लड़का अपना कुत्ता घुमा रहा, कुत्ता घुमाया सड़क पे ले गया, हाथ में रस्सी थी. अचानक सड़क पे कहीं से खरगोश कूदा तो कुत्ता खरगोश के पीछे भागने लग गया खरगोश को पकड़ने के लिए. और उस आदमी की आंख से कुत्ता ओझल हो गया, कुत्ता गायब हो गया. और आदमी को कुत्ते से बड़ी लगाव था, बड़ी मोहब्बत थी. अब वो क्या करे, उसने पेपर में इश्तेहार दिया, ये मेरा कुत्ता इस नस्ल का है, ये इसका नाम है, उसकी कोई तस्वीर भी छाप दी, प्लीज जो मेरा कुत्ता मुझे लौटा देगा उसको इतने रुपए का मैं इनाम दूंगा. इस घटना के दो दिन के बाद एक बहुत खूबसूरत सी लड़की वो कुत्ता हाथ में लिए आई. पहले उसको तकलीफ थी कि कुत्ता क्यों गया, और उसको लगा अच्छा था चला गया. और उस लड़की ने उसको कुत्ता लौटाया, दोनों की बातचीत शुरू हो गई, दोनों में मोहब्बत हो गई. ओए होए होए प्यार. इस स्पीकर की जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है वो है क्लैरिटी ऑफ वॉइस. ऐसे ही हमारी लाइफ में ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम कितना बोलते हैं, कितना सोचते हैं. इंपॉर्टेंट है कि हमारी क्लैरिटी ऑफ थॉट क्या है, क्लैरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. और वो कहां से आती है? वो आती है पैशन से. If you're passionate about the topic on which we are speaking, if you have got experience related to the topic that we are touching, तो वहां से क्लैरिटी आ जाती है. अब कोई टॉपिक है उसका मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं है. फॉर एग्जाम्पल कि भाई इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को कैसे क्रैक करना है. एक बारहवीं पास आपको क्या बताएगा कि उस एग्जामिनेशन आए, तो वहां पर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता. वहां पर मैं जो भी बोलूंगा दैट्स गोइंग टू बी अ नॉइज, वो शोर हो जाएगा. लेकिन अगर मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूं जिस पे के मैंने काम किया है, तो वहां पर एक अजीब सी आपको एक क्लैरिटी नजर आएगी. इस इल्यूजन से बाहर आ जाओ सब, कि कोई भी इंसान ऐसा है दुनिया में जो ऐसे चले, जीते जी नहीं हो सकता. जी रहे हैं तो कैसे होगा? ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा. जिसको आप डिमोटिवेशन बोलते हो, जिसको आप ये बोलते हो कि डिमोटिवेशन किसे बोलते हो, अंदर से एनर्जी नहीं है किसी भी काम को करने की, उसको आप बुरा समझ रहे हो. एक्चुअल में वो बुरी नहीं है. वो स्टेट That is a state जहां पर आप रेस्ट कर सकते हो. मतलब अगर हमें कुछ भी करना है, कभी जानवरों को देखा है जंगल में शिकार करते हुए? नहीं गए जंगल वंगल में, नहीं गए कभी, इतने एडवेंचरस कोई नहीं है यहाँ पर. हाँ कहाँ पर? अच्छा डिस्कवरी में देखा है, राइट. हाँ वो भी काफी है, नहीं तो डिस्कवरी में जाकर के देख लो. तो कभी ध्यान से देखना कोई जानवर शिकार कैसे करता है. अगर शेर को शिकार करना है तो कई कई बार आधा आधा घंटे तक, एक एक घंटे तक एक ही पोजिशन में वहां पर खड़ा रहेगा. मतलब वो क्या कर रहा है? वो तैयारी कर रहा है अटैक करने की. तो अगर उस टाइम पे वो भी बंदा इस खेल को नहीं समझेगा तो वो क्या कहेगा? मैं डिमोटिवेटेड क्यों हो रहा हूं, मैं अटैक ही करता रहूंगा पूरा दिन. तो अगर वो पूरा दिन अटैक करता रहेगा तो चांसेस हैं कि उसको कुछ भी नहीं मिलेगा. इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, उनका ड्रीम क्या होता है कि अच्छी जॉब मिल जाए. तो व्हाट ही इज सेइंग इज कि मेरे को अच्छी जॉब भी मिल गई है. दिस इज व्हाट ही इज सेइंग, राइट. लेकिन उसके बाद भी अंदर एक सेटिस्फैक्शन नहीं, मजा नहीं आ रहा है. मजा नहीं आ रहा है. कुछ टाइम तक तो बड़ा मजा आया होगा स्टार्टिंग के 1-2 मंथ. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. पहला दिन याद करो, पहले दिन मजा आया था नहीं आया था? पहले दिन बहुत मजा. पहले दिन गए थे वहां पर, वो टेबल मिली थी है ना, बैठे थे, ये मेरी जगह, मेरी ड्रीम पूरी हो गई है. हमारा माइंड स्टेबल नहीं हो पा रहा है, माइंड डेविएट करता रहता है. पहले माइंड ये चलता है कि मेरे को वो करना है, करना है, करना है, कहीं मेरी जिंदगी का मकसद है. जब वो हो जाता है तो उसके बाद में नजर आता है कि वहां पर कुछ भी नहीं है. तो क्या हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो गलत नहीं है? या बस पागलों की तरह अपने ड्रीम्स के पीछे, गोल्स के पीछे, डिजायर्स के पीछे भागते रहते हैं पूरी जिंदगी? अपने आप ही हमारे अंदर आ जाते हैं बेस्ड अपॉन द सिचुएशन जहां पर हम होते हैं, बेस्ड अपॉन हमारे क्या सर्कमस्टेंसेस हैं उसके अकॉर्डिंग. कि आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है उसके हिसाब से ही आपके ड्रीम्स सेट हो जाते हैं. बचपन से ही आपके माइंड में प्लांट कर दिए जाते हैं जाने अनजाने कि ये आपके एक अंकल है या रिलेटिव है, उनकी सब बहुत रिस्पेक्ट करते हैं तो उनके जैसा बनना है. कोई नहीं भी बोले तो आपके माइंड में वो आ जाता है. लोग इंजीनियरिंग